जोखिम में जान, मुसीबत में किसान। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच तहसील के ग्राम बेराखड़ी की, जहां पर किसान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेत पर जाने के लिए नदी पार करने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। किसान रस्सी के सहारे नदी पार कर खेती कर रहे हैं, साथ ही महिलाएं व बच्चे भी जुगाड़ की रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसे में अगर किसी की जान पर बन आए तो भला इसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के समय ही आती है। बारिश ज्यादा होने से नदी में पानी ज्यादा रहता है, जिससे गांव से दूर नदी पार किसानों के खेतों पर जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है, जिससे किसानों को अपने खेत तक जाने में अपनी जान खतरे में डालना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक शिकायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिली। किसान अपने खेत तक जाने के लिए रोजाना इसी प्रकार जान को हथेली में लेकर तार और रस्सी के माध्यम से निकलते हैं। ऐसे में कल को कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बताइए, दो पंचायतों के बीच का मामला है, ग्राम पंचायत बेराखेड़ी और पटाड़िया ताज। चूंकि आप युवा सरपंच हैं यहाँ के और जनता ने आपको चुना है, कई प्रकार से लोग यहाँ पर अपनी खेती पे जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं रस्सी और तार के सहारे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर जो पुल नदी है वहाँ पर पुल बनना चाहिए, शासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव खेत पर जाने के लिए महिला और बच्चे साथ में जाते हैं, जिससे कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए शासन को वहाँ पर कुछ पुल बनाना चाहिए। अच्छा, गांव के लोगों ने आपको यहाँ पर सरपंच बनाया, आपकी क्या जवाबदारी बनती? कभी आपने आगे जाके कोशिश करी है या ठहराव प्रस्ताव कराया? कभी आगे जाके सरकार को लिखित में आवेदन दिया है कि यहाँ पर पुल बने? हमारे द्वारा पंचायत में ठहराव प्रस्ताव जो मीटिंग रहती है उसमें ठहराव प्रस्ताव बना के भेज दिया था, लेकिन उस ओर वो अब ये जिला जनपद की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने उनको ध्यान देना चाहिए, हमारे द्वारा वहाँ पर अवगत करवा दिया था। अच्छा, कोई ऐसी राशि नहीं आती जिससे हम टेम्परेरी कोई अभी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे लोगों को अपनी जान का खतरा ना रहे और ये आसानी से अपने खेत पर निकल जाए, ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्योंकि पंचायत में इतने पैसे ही नहीं आते, छोटा गांव है, 3-4 लाख रुपए आते हैं यहाँ पर 5-6 महीने में, लेकिन वो हम इसमें गाँव का जो समस्या बाकी उसमें काम कर सकते हैं, और यहाँ पर जो समस्या है वो बहुत विकराल बड़ी समस्या है, इतने पैसे में कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। आप यहाँ के युवा सरपंच है, आपने कभी आगे रह के इस मुद्दे को उठाया है, जनप्रतिनिधि से बात की, आगे सरकार से बात की है? नहीं, सरकार जो हमारे द्वारा जो था ठहराव प्रस्ताव लेके हमने भेज दिया था, लेकिन वो आगे अब जनपद के ऊपर है। अच्छा, कल से कोई बड़ा हादसा होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार हमारे द्वारा तो हमने अवगत करवा दिया था, अब उनको ध्यान देना चाहिए, वो रहेंगे। आपका नाम? शासन के ऊपर। आपका नाम और पद बता दीजिए। रोहित परमा, सरपंच प्रतिनिधि पटाड़ा ताज। ये बेराखेड़ी से एक नदी निकली है जो कि कालीसिंध नदी में जाकर मिलती है। गाँव के काफी किसान जो है नदी के उस पार उनकी जमीन है, उस जमीन को करने के लिए जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है, जुगाड़ का उन्होंने एक पुल बनाया है जिसे हम रस्सी का पुल कहेंगे, तार का पुल कहेंगे, काफी समस्या आ रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो समस्या हमने तो हमारे पंचायत द्वारा लिख के दिया है। अच्छा, आगे जनपद में पहुंचाया उसको। अच्छा, ठहराव प्रस्ताव हुआ पंचायत से। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि अगर उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो क्या कारण रहा होगा? कारण क्या, वो आगे एस्टिमेटिंग रहता है ना पंचायत में, वो बड़ा पुलिया बनाना पड़ता है, पंचायत के पास इतना पेमेंट देते नहीं है वो। अच्छा, पंचायत में इतना पेमेंट नहीं देते? पंचायत, हाँ, ये नहीं देते। क्या वास्तविकता, लोगों को परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, वो निकलने की समस्या, लेडीज उनसे निकला था नहीं वहाँ पे, कैसे निकले सब समस्या, हर आदमी है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा होता तो उसका फिर जिम्मेदार कौन रहेगा? अरे सर, हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे तो जो उसमें क्या है, अभी तार अपनी पंचायत के अंडर ये, हाँ, जो पंचायत बेराखेड़ी और दोनों की क्रॉसिंग में है। आपका नाम और पद बता दीजिए। माणक लाल झाला, सरपंच बेराखेड़ी।